सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं सपना भी स्वागत करती हूँ सभी का अपने यूट्यूब चैनल सबको लॉक से उत्तराखंड में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से, और आज है रक्षाबंधन, तो सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको आज का मौसम, उसके बाद से आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं और हल्की सी मंद मंद वाली धूप भी आ रखी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और आज कितने दिनों बाद मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता और ऐसे हो जाता है फिर। और इस राखी पर भी मैं घर नहीं जा पाई, यहीं हूँ, पिछले साल भी यहीं थी क्योंकि छुट्टी का भी ऐसे ही हो रहा था। और फिर दो दिन में आना जाना, दो दिन तो आने जाने में ही लग जाते हैं, और फिर बब्बी को भी छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए हम दोनों यहीं हैं घर में। ऋतु लोग वही लोग बांधेंगे फिर। बाकी ब्लॉग स्टार्ट तो कर ही लिया, जितना बन पाएगा आपके साथ शेयर कर दूँगी। और घर में बना देती है ऋतु कभी कभी मेरे चैनल पर, तो वहाँ का भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। याद तो बहुत आ रही है अपने भाई लोगों की भी, क्या करें, लेकिन जाएंगे अब घर पे। और भी है 1:30 बजे के बाद शुरू, तो तब तक मैं भी खाना वगैरह बना रही हूँ। सुबह से मैं उठी, थोड़े रूम की साफ़ सफाई की और नहाना धोना, कपड़े वगैरह धोना, अभी फ्री हो रही हूँ और नहा धो के अब बनाती हूँ खाना। अकेली हूँ, अकेले के भी मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं। मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, एक नई कुर्ती डाल ली है बस ऐसी, और अब जाती हूँ नीचे मामा लोगों के लड़कों को बांटने के लिए, अंशुल जस्सू और तनुज को। और राखी भी रख दी है मैंने, तो मैं जाती हूँ नीचे। मैं भी आ चुकी हूँ दोनों भाइयों को राखी बांधने के लिए, भाई थाम लो कर। और इधर मामा जी, मामा थाम चुप, हाय कर दिया जी। और ये मामी और निधि। हम बहने भी बांधते हैं एक दूसरे को राखी, इसमें तो अब हम आगे नीचे, मैं और निधि, मम्मू, खुशी और जस्सू के साथ। ये जस्सू तो आज राखी बधवाएगा भाई, हैं? दिखाना अपनी राखी, दिखा दिखा। ये देखो जस्सू ने तो मोर वाली पहन ली है।
तो राखी वगैरह भी बांध दिए और अब खाते हैं खाना। खाने में मैंने बनाया छोले और चावल और टाइम भी पता है 3 बज चुके हैं 3, तो अब खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद से थोड़ा आराम करूँगी।